गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दिवाली का ब्यूटीफुल सा वॉल डेकोर। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनत नकवी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये कार्डबोर्ड। गाइस, मैंने ना पेपर पर झरोखा वाला डिज़ाइन बनाकर कट कर लिया था और फिर मैं इसे कार्डबोर्ड पर रख कर डिज़ाइन को मार्क कर दूंगी। और जब गाइस आप इस टाइप से मार्क करके कट करेंगे तो हमारे सारे पीसेस पर इक्वल झरोखा वाला शेप आएगा। मार्क करने के बाद मैं इसे पेपर कटर की हेल्प से कट कर दूंगी। एंड गाइस, मैंने इसकी लेंथ ली है 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ ली है 8 सेंटीमीटर। और गाइस, साइज आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना भी बड़ा या छोटा आपको बनाना है उसका साइज अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने 6 पीसेस कट किए हैं। तो ना अब हम इन सब पर कलर्स करेंगे। कलर्स को हमें अच्छे से सब जगह कर देना है। गाइस, आपके पास पोस्टर या एक्रेलिक कलर्स जो भी अवेलेबल हो वो कर लीजिएगा। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों के पास कलर्स नहीं है तो आप लोग कार्डबोर्ड पर कलर्ड पेपर भी लगा सकते हैं। तो देखिए, सारे पीसेस पर कलर्स हो गए हैं। तो गाइस, मैं ना इस पर धनक लगाऊंगी। तो धनक लगाने से पहले मैं पेंसिल से मार्क कर दूंगी। तो मैं सब पीसेस पर पेंसिल से ब्लॉक्स बना दूंगी। देखिए, इस टाइप के ब्लॉक्स बना लेने हैं। सो मैंने ली है धनक। अब मैं लाइंस पर फेविकोल लगाकर धनक को चिपका दूंगी। गाइस, अगर आपको मेरा ये दिवाली का वॉल डेकोर पसंद आए तो आप लोग भी इसे बनाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही ज्यादा इजी एंड ब्यूटीफुल DIY है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। सो गाइस, जो लाइंस हमने मार्क की है बस उसी पर धनक को लगाते जाना है। और गाइस, कार्डबोर्ड के साइड्स में भी धनक को लगा देना है। देखिए, इस टाइप से लगाते जाना है। इसी टाइप से हम सारे पीसेस पर धनक को लगा देंगे। सो सारे पीसेस पर धनक लग गई है। तो अब मैंने लिए हैं ये मिरर्स। तो फेविकोल लगाकर मिरर्स को एक एक करके सारे ब्लॉक्स में लगा देंगे। तो गाइस, मैं ना यहाँ डायमंड शेप के मिरर्स को लगा रही हूँ। और गाइस, आप कोई भी शेप्स के मिरर्स को लगा सकते हैं। आप चाहें तो राउंड शेप के भी मिरर्स यूज कर सकते हैं। बस एक एक करके मिरर्स को लगाते जाना है। सारे पीसेस पर मिरर्स लग गए हैं। अब मैंने ली है ये LED कैंडल्स। गाइस, मैं ना कैंडल्स पर टैप को लगा दूंगी। आप चाहें तो टैप वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। देन हम सारी कैंडल्स पर डबल साइडेड टेप को लगा देंगे। और फिर हम कैंडल्स को कार्डबोर्ड पर स्टिक कर देंगे। देखिए, इस टाइप से स्टिक कर देना है सारी कैंडल्स को।
और हम कार्डबोर्ड के बैक साइड में भी डबल साइडेड टेप को लगाकर वॉल पर डेकोर कर देंगे। सो नाउ हमारा दिवाली का वॉल डेकोर बनकर रेडी है। देखिए वॉल पर लगने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। If you like my videos, please don't forget to like, share, comment and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।